हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, तो इसके अंदर में आपको सबसे पहले हम लोग रूट के संबंध में पढ़ चुके हैं। रूट के डिफरेंट टाइप्स को हम लोगों ने देखा, टैप रूट और एडवेंटिटियस रूट। अब आज हम लोग स्टेम शुरू करेंगे। स्टेम के अंदर में टाइप को पढ़ने से पहले हम लोग यह देखें कि रूट और स्टेम में क्या अंतर है। तो आइए पहले रूट और स्टेम के अंतर को देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि रूट के अंदर में रूट नॉर्मली पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है, जबकि स्टेम नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है। यानी कि स्टेम हर हमेशा प्रकाश की दिशा में बढ़ता है और गुरुत्वाकर्षण केंद्र के विपरीत बढ़ता है, जबकि रूट गुरुत्वाकर्षण केंद्र के तरफ बढ़ती है और सूर्य के प्रकाश के विपरीत बढ़ती है। लेकिन कुछ ऐसा भी रूट है जो कि सूर्य प्रकाश की तरफ बढ़ती है और निगेटिव जियोट्रॉपिक होती है, जैसे कि रिस्पायरेटरी रूट। राइजोफोरा में हम लोग चर्चा किए हुए हैं कि राइजोफोरा का जो रूट होता है वो पेग लाइक स्ट्रक्चर में जमीन से ऊपर की तरफ उठता है। तो जो रूट ऊपर की तरफ उठती है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हो गई और निगेटिव जियोट्रॉपिक हो गई। तो इस तरह से कुछ ऐसा रूट भी है जो इस रूट के कैरेक्टर को नहीं मानता है। ठीक उसी तरह से स्टेम के अंदर में भी जो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होते हैं वो निगेटिव फोटोट्रॉपिक और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हो जाते हैं। एग्जाम्पल पोटैटो हो गया, ओनियन हो गया, जिंजर हो गया। नोड्स इंटर नोड्स रूट में एबसेंट होता है और स्टेम में प्रेजेंट रहता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें दोनों में कहीं भी कोई अपवाद नहीं है। क्लोरोफिल एबसेंट होता है रूट के अंदर में, लेकिन फोटोसिंथेटिक रूट में क्लोरोफिल पाया जाता है। स्टेम के अंदर में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, लेकिन अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम के अंदर में क्लोरोफिल एबसेंट होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हैं, एक दूसरे से विपरीत रहते हुए भी, जैसे कि निगेटिव फोटोट्रॉपिक और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होना। तो जो स्टेम का कैरेक्टर है उससे कुछ स्टेम के अंदर में वेरिएशन पाया जाता है, जो रूट का कैरेक्टर है उससे रूट में कुछ वेरिएशन पाया जाता है। तो अब आगे हम लोग देखें कि रूट के ऊपर में लीफ नहीं पाई जाती है, लीफ इस पे एब्सेंट होता है, जबकि स्टेम के ऊपर में लीफ पाई जाती है। उसी तरह से रूट के अंदर में एक्सिलरी बड नहीं होती है, जबकि स्टेम में एक्सिलरी बड पाया जाता है। रूट के एपेक्स के ऊपर में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको रूट कैप कहते हैं, जो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर स्टेम पर नहीं पाया जाता है। रूट में यूनिसेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं, जबकि स्टेम के अंदर में या तो हेयर एब्सेंट होते हैं या मल्टीसेलुलर हेयर्स होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये 7 डिफरेंस जो है ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है रूट और स्टेम के अंदर। स्टेम को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम, सबएरियल स्टेम और एरियल स्टेम। ऐसा स्टेम जो जमीन के अंदर रहता है, मिट्टी की सतह से नीचे पाया जाता है, उसको अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। और जो स्टेम मिट्टी की सतह के ठीक ऊपर या मिट्टी की सतह से थोड़ा नीचे होता है उसको सब एरियल स्टेम कहते हैं। जो स्टेम जमीन से सीधा ऊपर उठता जाता है उसको हम लोग एरियल स्टेम कहते हैं। तो इस तीनों के डिस्क्रिप्शन में लंबा डिस्क्रिप्शन होगा, इसलिए आज हम लोग केवल अंडरग्राउंड स्टेम की चर्चा करेंगे। अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर में हम लोग बांट सकते हैं 4 कैटेगरीज के अंदर में। एक को कहते हैं ट्यूबर,
दूसरे को कहते हैं बल्ब, तीसरे को कहते हैं राइजोम, और चौथे टाइप को कहते हैं कॉर्म। ट्यूबर का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं पोटैटो। पोटैटो में आप देखते होंगे कि आई लाइक स्ट्रक्चर, आंख के जैसी रचना पाई जाती है। ये आंख की जैसी जो रचना है ये है एक्जिलरी बड, जिसको नॉर्मली हम लोग आई कह देते हैं। जब नया आलू निकलता है तो इस पर देखते हैं कि पतला पतला छिलका पाया जाता है, वो ड्राई स्केल लीफ है जो कि लीफ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से इसके ऊपर में ड्राई एक्जिलरी बड भी मौजूद है और स्केल लीफ भी मौजूद है। ये दो प्रकार का फंक्शन करता है, एक तो ये फूड स्टोरेज का काम करता है, दूसरा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है। आलू को ही जब लगा देते हैं तो इसी से फिर नया प्लांट बन जाता है। उसके बाद देखते हुएगा कि कभी कभी कुछ आलू का कुछ हिस्सा जो होता है वो हरा मालूम पड़ता है, तो वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण है। तो ये आपको जो है सो ट्यूबर का कैरेक्टर हो गया। अब हम लोग दूसरे टाइप पर बढ़ते हैं। बल्ब का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं ओनियन। ओनियन के अंदर में देखते होगा नीचे में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके ऊपर में बहुत सारा लीफ लगा हुआ रहता है। तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है यही स्टेम है। इसका स्टेम रिड्यूस्ड होता है और डिस्क के फॉर्म में बदल जाता है। इससे एडवेंटिटियस रूट निकलती है जो कि जमीन को पकड़ लेती है, और इसके बीच में देखिएगा एक बड निकला हुआ रहता है जो एक्जिलरी बड है। लीफ जो है यही फूड स्टोरेज का काम करती है, इसलिए इडिएबल इसका जो लीफ है वही है इडिएबल। स्टेम केवल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का काम करता है। तीसरा मॉडिफिकेशन हो गया राइजोम। एग्जांपल दे सकते हैं जिंजर। जिंजर में देखते होइएगा क्या कि इसका जो स्टेम होता है ये जमीन पर फैलता चला जाता है, इसमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है। नोड और इंटरनोड इसमें स्पष्ट मालूम पड़ता है, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, दोनों नोड के बीच का दूरी इंटरनोड हो गया। और एपेक्स पर देखिएगा बड पाई जाती है जिसको एपिकल बड कहते हैं। इसी एपिकल बड से जो है तो नए प्लांट का ग्रोथ होता है। ये फूड स्टोरेज का काम भी करता है। शेप इसका इरेगुलर होता है, इसलिए इसमें आप जो चाहेंगे कि एक खास शेप हो जाए सो नहीं, वैरी करता है, अलग अलग तरह का शेप हो जाता है। तो ये आपका जो है सो राइजोम हो गया। चौथा मॉडिफिकेशन है कॉर्न, जिसका एग्जाम्पल दे सकते हैं यम या ऑल। ऑल जो है ये एक सिलिंड्रिकल स्टेम है जिसमें आप देखिएगा कि नोड इंटरनोड होता है, लेकिन नोड इंटरनोड इसमें बहुत डिस्टिंक्ट मालूम नहीं पड़ता है। इससे देखिएगा कि कई जगह पर बड निकला हुआ रहता है जिसको एपिकल बड कहते हैं। इससे फिर नए प्लांट का ग्रोथ होता है और ये फूड स्टोरेज का काम करता है। इसके ऊपर में भी ड्राई स्केल लीफ पाई जाती है जो कि बाद में झड़ जाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि चारों प्रकार का जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड स्टेम है सबके अंदर में नोड इंटरनोड निश्चित रूप से प्रेजेंट है, और करीब करीब सब फूड स्टोरेज का काम करता है। केवल बल्ब को छोड़ करके जो कि रिड्यूस्ड स्टेम है।